ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपरा एकादशी, जिसे हम अचला एकादशी भी कहते हैं, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2021 में अपरा एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, इस दिन हमें भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए, व्रत की पूजा विधि क्या होगी, अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा और इस दिन हमें क्या वो एक खास उपाय जरूर कर लेना चाहिए श्री हरि की कृपा के लिए। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारियां आपको इस एक वीडियो में मिलने जा रही है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। इस बार अपरा एकादशी 6 जून यानी रविवार को पड़ रही है। मान्यता है कि पालनकर्ता श्री हरि या व्रत करने वाले सभी व्रतियों के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए विस्तार से आपको बताती हूँ कब है अपरा एकादशी, कब से कब तक शुभ मुहूर्त है, पूजा की विधि आपको क्या रखनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके वामन अवतार, उनके वामन स्वरूप की पूजा आराधना का विधान बताया गया है। मान्यता है कि भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने वाले जातक को कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसे में घर में जब हम स्नान करें तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालकर स्नान करें। दोस्तों, अब अपरा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता दूं। अपरा एकादशी 6 जून रविवार 2021 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून को सुबह 4:07 से। एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 जून को सुबह 6:19 पर। दोस्तों, एकादशी व्रत में हम सभी जानते हैं पारण यानी कि व्रत खोलने के समय का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो अपरा एकादशी का व्रत आप खोलेंगे 7 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 पर। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले जरूर कर लेना चाहिए और 7 जून को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 8:48 पर। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा विधि आपको क्या रखनी है। इस दिन जैसा हम सभी जानते हैं सभी एकादशी व्रतों में दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों को पालना जरूरी है। इस दिन सुबह, अपरा एकादशी के दिन सुबह आप उठेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और इसके बाद व्रत करने का सबसे पहले संकल्प ले लेंगे। साथ ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपका यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा करें। भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उसकी ही आप पाटे पर स्थापना करेंगे। स्थापना से पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लें और इसके बाद हर एकादशी तिथि की तरह ही इस दिन भी श्रीहरि और उनके वामन स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं, रोली अक्षत तिलक। और इस दिन दोस्तों, वैसे तो हम भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 52 अवतार की जब भी हम पूजा करते हैं श्री हरि के, तो सफेद फूल चढ़ाने का ज्यादा महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप सफेद फूल भगवान को जरूर अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि को अपरा एकादशी के दिन फलों का भोग लगाएं। इसकी मान्यता बताई गई है, जो भी ऋतु फल हैं उसका भोग लगाना चाहिए। दोस्तों,
अपरा एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन हमें घर में तो हम पूजा करें ही, मंदिर में जाकर भी धूप दीप जरूर दान करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप घर पर ही पूजा स्थल पर सुबह भी दीपक एक शुद्ध घी का जरूर प्रज्वलित करें और शाम को भी भगवान विष्णु की आरती के बाद शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं। अब घी का दीपक अगर नहीं हम जला पाते तो ऐसे में भगवान विष्णु के लिए तिल के तेल का दीपक भी उचित माना गया है, आप वो भी जला सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का महत्व बताया जाता है, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन इस दिन करना चाहिए। सुबह से ही जब से आप व्रत का संकल्प लें तब से ही उनके नामों का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन जप करना, गीता पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठकर बताया गया है। इस दिन आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितनी ज्यादा बार जप कर सकते हैं जरूर करें। इस दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपरा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का भी बहुत ही महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता को सुबह आप जल चढ़ाएं और शाम को आप दीप दान जरूर करें। किसी भी एकादशी व्रत में तुलसी पूजन हम विशेष करते हैं, उसका बहुत ही महत्व बताया गया है। तो इसी विधि से आपको अपरा एकादशी का व्रत करना है। जिस भी कामना से आप व्रत करेंगे आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत के दिन कुछ कार्यों को निषेध बताया गया है जो भूलकर नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जो व्रती हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्रती होते हैं इस दिन उन्हें किसी की पर निंदा से बचनी चाहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मन में ईर्ष्या किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। चावल खाना एकादशी तिथि में वर्जित बताया गया है, तो आप चावल दशमी तिथि से ही नहीं खाएंगे। एकादशी के दिन भूल कर भी पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन हमें सुबह ब्रश करते वक्त टूथपेस्ट टूथब्रश का इस्तेमाल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दातून का प्रयोग करें या फिर एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें भी मैंने बताया है कि इस दिन आप 12 बार कुल्ला करके ही अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं, यही सर्वोत्तम बताया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां जो जरूर एकादशी के जो व्रती होते हैं उन्हें मानना चाहिए अपने व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। एकादशी के व्रत में अगर हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें, पीले या सफेद वस्त्र आप धारण इस दिन कर सकते हैं और शुद्धता का खास ख्याल पूरे दिन बनाकर रखें। एकादशी व्रत में खाने पीने में विशेष आपको ध्यान देना होता है। इस दिन आपको अगर आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते हैं तो आपको फलाहार रहना होता है। एकादशी व्रत में नमक बिल्कुल निषेध होता है, तेल बिल्कुल निषेध होता है, तो इन खास बातों का आप अपरा एकादशी व्रत के दिन भी खास ख्याल रखेंगे। दोस्तों, अब वो एक खास उपाय जो आपको इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान के 52 स्वरूप की मैंने आपको बताया पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दीपदान सुबह भी करना होता है और शाम को भी। उस दीपक में आप जरूर एक लौंग रखें। एकादशी के दिन, अपरा एकादशी के दिन इस उपाय से ऐसा माना जाता है जीवन में कभी भी धन की किल्लत नहीं होती है। तो इस अपरा एकादशी आप सुबह भी जब दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें एक लौंग जरूर रखें और शाम के दीपक में भी आपको एक लौंग रखकर ही दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस एक विशेष कार्य को आप इस अपरा एकादशी जरूर कर लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे जरूर पूछें। दोस्तों, एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और एकादशी व्रत के सभी नियम आपके साथ मैंने पहले ही शेयर किए हुए हैं। आप भी एकादशी व्रत पहली बार शुरू कर रहे हैं तो उन वीडियोज को भी आप जरूर देखें, आपके लिए वो वीडियो उपयोगी साबित होगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। दोस्तों,